सर्दियों के आते के साथ ही ये समस्या बढ़ने लगती है, क्योंकि सर्दियों में हमें ड्राइनेस फील होने लगती है, बॉडी में ड्राइनेस बढ़ने लगती है, तो इचिंग खुजली की समस्या बढ़ने लगती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए लेके आई हूँ मैं एक बेहतरीन सीरम, और गाइस इसको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूज करती हूँ और मेरी तरफ से थम्स अप है और 10 out of 10 मार्क्स मैं इसको देती हूँ। आपका कोई भी मार्केट का ऐसा लोशन, क्रीम या DIY इतना वर्क नहीं करेगा जितना ये सीरम करता है। सिर्फ आपको 2 बूंद लगानी है और आप देखेंगे कितना अच्छा ग्लो इसका आता है। मैं पर्सनली यूज करती हूँ और रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी इसे जरूर यूज करें, क्योंकि ये एक ऑलराउंडर है, मल्टीपर्पज है, आपका लोशन का काम करेगा एंड आप नाइट में इसको पर्सनली मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप इसको नाइट में लगाते सोए, क्योंकि नाइट में लगाने के बाद ये अपना अच्छे से वर्क करेगा, आपके स्किन को रिपेयर करेगा। सर्दियों में अक्सर आप देखते हैं कि स्किन निकलने लगती है, ड्राइनेस होने लगती है, आप लिप्स के ऊपर देखते हैं कितनी ड्राइनेस होने लगती है, लिप्स की स्किन निकलने लगती है, हील्स क्रैक होने लगती है। तो सभी चीज के लिए, इवन आपकी होल बॉडी के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से रिजल्ट दे। अगर आपके लिप्स क्रैक होते हैं, फटते हैं, तो उनके लिए अच्छा, आपकी हील्स क्रैक होती है तो उसको रिपेयर करता है। लिप्स के ऊपर रात को लगाइए और सो जाइए। अगर आपके यहाँ पर इस तरह से ब्लैक पड़ता है, ब्लैक होता है, तो उसको भी रिमूव करेगा, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, एकदम स्मूथ टेक्सचर आपकी स्किन का बनाएगा, बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसे ज्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें आप एसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जिससे कि ये काफी दिन आपके चलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी 3 से 4 दिन के लिए आप इसको बना के रखें और यूज करें। मैं डेम श्योर हूँ कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और आपकी स्किन के टेक्सचर में भी फर्क आएगा। श्योर इसको जरूर ट्राई करें। और प्लीज गाइस, इतने सारे फ्रेंड्स होने के बाद भी कोई भी वीडियोस को शेयर नहीं करता है, प्लीज वीडियोस को शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज वीडियोस को शेयर करिए। और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक सीरम जो आपके स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और कोई भी, मैं तो कहती हूँ कि कोई भी स्किन टाइप जो होता है सबके लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन ऑयली हो, नॉर्मल हो, सेंसिटिव हो, कोई भी स्किन का इसको कोई भी जिसकी भी कैसी भी स्किन है तो वो सब उसको लगा सकते हैं। इवन अगर आपके स्किन पर पिंपल्स भी हैं तो भी इसमें कोई हार्म नहीं है इसे लगाने के लिए, क्योंकि एक बेहतरीन रिजल्ट मैंने इसके पाए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये मुझे शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर करिए। इतने सारे फ्रेंड्स होने के बाद तो मुझे कहने की जरूरत ही पड़नी चाहिए कि मेरी वीडियोस को आप लोग शेयर करिए। तो बढ़ते हैं सीरम की तरफ और देखिए किस तरह बनाना है इस सीरम। फ्रेंड्स, सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। ये मैंने 1/2 स्पून एलोवेरा जेल लिया है। नेक्स्ट इसमें हम लेंगे ग्लिसरिन। ये ग्लिसरिन है, मैं इसमें ये इस तरह से होती है, थोड़ा सा थिक होती है, सेम वाटर जैसी दिखती है। तो इस तरह से जितना मैंने एलोवेरा जेल लिया उतना ही मैंने इसके अंदर ग्लिसरिन डाल दिया। कुछ ड्रॉप्स मैं इसमें डालूंगी, जस्ट कुछ ड्रॉप्स डालने, 1 से 2 ड्रॉप आप सिर्फ इसके अंदर यूज करें। ऑलिव ऑयल, ये देखिए मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है। एंड लास्ट में मैंने यूज किया अंदर इसके अंदर रोज वाटर, थोड़ा सा रोज वाटर इसके अंदर डालें और इस तरह से आप इसको मिक्स कर दें। इस तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए इसको अच्छे से हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें और ये आपका इस तरह से सीरम बनकर रेडी हो गया है। विंटर्स के लिए एकदम बेस्ट सीरम है। छोटा सा डेमो मैं आपको देती हूँ, ये देखिए इस तरह से, इतना ही काफी है आपके हाथ के लिए। और ये देखिए इस तरह से अच्छे से स्किन में ब्लेंड होता है और सर्दियों में बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। आप इसको हाथ पर, पैरों पर, फेस पर, जहां मर्जी लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं और आपकी स्किन को रिपेयर करता है, विंटर्स की ड्राइनेस से बचाता है
और मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड किया है, तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि ऑलिव ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, फेस हैंड्स और लेग्स के लिए मैं यूज करती हूँ, पर्सनली यूज करती हूँ ऑलिव ऑयल अपने स्किन के लिए। तो ऑलिव ऑयल एक अच्छा व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, आपकी स्किन को निखारने में हेल्प करता है ऑलिव ऑयल, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल का ऐड किया है। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, और आपको सर्दियों में जो वो जैसे व्हाइटनेस होती है, स्किन निकलने की प्रॉब्लम होती है, उसको भी रिपेयर करने में आपकी काफी हेल्प करता है। घर पर बनाइए इस सीरम को और यूज करिए, और यूज करने के बाद अपने अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिए और बताइए आपको इस सीरम कैसा लगा। तो गाइज प्लीज बनाइए, और इसको इस वीडियो को भी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। तो गाइज 9:30 में लाइव भी आती हूँ, डेली में आती हूँ 9:30 अप्रोक्स हो जाता है, 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर 9:30 में डेली लाइव भी आती हूँ। आप मेरे से बातें कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं लाइव में, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और कोई वीडियोस आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं लाइव में, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा। 9:30 में डेली आती हूँ नाइट में, तो हम लोग फन करते हैं काफी लाइव में, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरी लाइव में। 9:30 आती हूँ, तो आप कनेक्ट होए और अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे।